वालेकुम दोस्तों, सत श्री अकाल। मैं हूँ आरिफ अली, देसी ट्रैवलर पर, और इस टाइम मैं मौजूद हूँ बाबा गुरु नानक के जन्म स्थान ननकाना साहिब में, जहाँ पे जो है बाबा गुरु नानक का 552वां जन्मदिन जो है वो मनाया जा रहा है। और यहाँ पे पूरी दुनिया से जो है ना लोग, सिख यात्री और मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले हिंदू, काफ़ी सारे लोग जो है यहाँ पे शिरकत कर रहे हैं। और बाबा जो गुरु नानक का जो जन्मदिन है, ये हर साल नवंबर में 19 नवंबर को मनाया जाता है, अंग्रेज़ी 19 नवंबर को। और इंडिया से यहाँ पे तकरीबन 456 जो है यात्री आए हुए हैं, जिन्होंने लाल कार्ड गले में पहने हैं। अभी हम बात करने की कोशिश भी करेंगे कि उनको कैसा यहाँ पे प्रोटोकॉल मिला, और यहाँ पे जो इंतजाम हैं वो भी दिखाएंगे, और क्या रस्में चल रही हैं बाबा गुरु नानक के जन्मदिन के हवाले से वो भी देखेंगे। तो आइए चलते हैं, और चलते चलते जो है वो बात करते हैं, और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि जी वहाँ यहाँ पे आके उनको कैसा प्रोटोकॉल जो है वो मिला। और मैं देखता हूँ कि जो रेड कलर के जो जिन्होंने कार्ड्स पहने हैं उनसे बात करेंगे। अच्छा जी, ये है माहौल इस टाइम जो बाबा गुरु नानक का जो गुरुद्वारा है ननकाना साहब में जन्म स्थान, यहाँ पे इस तरह से देखें रश है, और लोग ये देखें बहुत सारे यहाँ पे ब्लॉगर्स भी आए हैं, चैनल्स भी कवरेज कर रहे हैं यहाँ पे, और पूरे मुल्क से नहीं बल्कि पूरी दुनिया से ही लोग इधर जो है वो इस जन्मदिन को, बाबा गुरु नानक के जन्मदिन को मनाने के लिए जो दुनिया भर से लोग आए, तो हम भी कुछ लोगों से बात करने को। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पे जो है, अभी जो मुझे पता चली आके बात, वो ये कि जो यहाँ के लोकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा वॉलंटियर कर रहे हैं, और यहाँ पे मैंने सुना है कि स्टॉल्स वगैरह भी लगाए गए हैं जहाँ पे जूते रखे जाते हैं एक तो पहले नंबर पे, तो दूसरे कपड़े प्रेस करके दे रहे हैं। और लंगर तो आपको पता ही है कि जितने भी गुरुद्वारे हैं वहाँ पे लंगर जो है वो फ्री ही चलता है, मतलब 24 घंटे ही तकरीबन चलता है लंगर गुरुद्वारों के अंदर, पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में जितने भी जहाँ भी गुरुद्वारे हैं। तो ये लंगर भी यहाँ पे ऑन है। और एक दूसरी चीज़ ये कि जो इंटरेस्टिंग मेरे लिए जो चीज़ है, यहाँ पे सब्सिडाइज वो लगाए गए हैं, पैनल लगाए गए हैं जहाँ पे जो है सामान जो है वो सब्सिडाइज रेट पे सब्सिडी के साथ बेचा जा रहा है, और उसके अंदर वो जो सामान लोग वहाँ से ख़रीदते हैं और लंगर में जो है वो दे देते हैं, और वो लंगर जारी रहता है इसी तरीके से। आइए बात करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आप बताएँ कि आप कहाँ से हैं? अमृतसर से। अमृतसर से इंडिया से हैं, तो आपको यहाँ पे आने में क्या मुश्किलात पेश आई, कैसा प्रोटोकॉल मिला आपको? मुश्किल तो कोई नहीं सर, थोड़ा संगत ज़्यादा करके थोड़ी दिक्कत आई है। ना इंडिया से मुश्किल आई है, ना पाकिस्तान से कोई मुश्किल नहीं आई, कस्टम पे या इमिग्रेशन पे या प्रोटोकॉल या सिक्योरिटी के हवाले से? नहीं सर। कैसा लगता है जब आप यहाँ पे आते हैं, पहली दफ़ा हैं आप? बहुत बढ़िया। तो कैसा फील करते हैं जब पाकिस्तान आते हो? वैसे इंडिया में है वैसे ही। चले जी, आपने देखा बड़ी उन्होंने तारीफें की, और कोई उनको जो है परेशानी पेश नहीं आई, और तमाम काम आसानी से हो गए। आइए और भी लोगों को ढूंढते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं कि, और यहाँ पे कुछ स्टॉल्स वगैरह हैं, मैं वो भी देखता हूँ चल के स्टॉल्स के ऊपर कि वहाँ क्या सूरत हाल है। अभी मुझे और कुछ नज़र आ रहे हैं लोग, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप कहाँ से? इंडिया से? कहाँ से हैं? इंडिया से, पंजाब से। इंडिया पंजाब किस शहर से हैं? हरियाणा अम्बाला से। अम्बाला से हैं? हाँ जी। तो आप कितनी बार आ चुके हैं इधर? मैं 3 बार आ चुका हूँ। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, जैसे मैं कई बार इंडिया गया हूँ दिल्ली, लेकिन मुझे इतना फ़र्क नज़र नहीं आया, कल्चरल इतना डिफरेंस नहीं है हमारे पे। आपको कैसा महसूस होता है पाकिस्तान आके? बिल्कुल कल्चर सेम है, तभी इसलिए हम 3-3 बार आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं इतनी भीड़ में धक्के खा के? अच्छा। कोई ना लैंग्वेज में कोई फ़र्क है, ना खाने पीने में, रहने सहने में, वैसा ही लग रहा है हमको भी। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे दुनिया को और पाकिस्तानी आवाम के लिए, क्या कहना चाहेंगे? मैसेज पहले भी मैंने दिया था, अभी ये सारा ओपन होना चाहिए आना जाना, आप लोगों का हमारा आना जाना ओपन होना चाहिए, ये ड्रामेबाजी नहीं होनी चाहिए, पासपोर्ट ये वो चक्कर, बॉर्डर नहीं होना चाहिए। हाँ, बॉर्डर नहीं होना चाहिए, लोगों में आपसे प्रेम प्यार है वो बढ़े। अच्छा, आना जाना शुरू करें। और यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि लिखा है कि फ्री जो है ना कपड़े प्रेस कराएं, बड़े जो है ना लोग वॉलंटियर कर रहे हैं, क्योंकि ये दिन ही ऐसा है। आइए चल के देखते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं। आप कहाँ से आई हैं? इधर से, ननकाना। अच्छा, ननकाना से ही हैं। हाँ। तो मैंने तो अभी पढ़ा है और सुना भी था कि यहाँ फ्री में प्रेस करके तो दे रहे हैं। अच्छा, फ्री करते हैं अभी लेने लगे। अच्छा, सवाल कर लूँ आपसे, आप साथ ही हैं? साथ ही करें सवाल। अच्छा,
अच्छा मुझे बताएं कि ये जो आप जो कपड़े फ्री प्रेस करके दे रही हैं इतने दिनों से, तो किस जज्बे के तहत ही आप कर रहे हैं? ये हम फ्री सेवा कर रहे हैं इसलिए, सेवा के लिए। आप कहाँ से, आपका ताल्लुक था? मेरा ननकाना साहब से। ननकाना से ही हैं जी? आपसे कम्युनिटी से ही हैं सिर्फ आप? नहीं, क्रिश्चियन। अच्छा, क्रिश्चियन जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप हर साल ये सेवा करती हैं? नहीं, पहली दफ़ा की है। पहली दफ़ा की है? कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। कैसा रिस्पॉन्स दे रहे हैं लोग आपको? बहुत अच्छा। अच्छा अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। आपने देखा जो फ्री कपड़े जो ना प्रेस करके दिए जा रहे हैं, और ये सेवा की जा रही है। सेवा का मतलब खिदमत होती है, हिंदी का वर्ड है सेवा, जो कि खिदमत होती है जो की जा रही है। और ये इनका ताल्लुक ननकाना से ही है और क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक है। और ये जो है ना बहुत अच्छी बात है, इस तरह से वॉलंटियर जॉब कर रहे हैं। आइए और लोगों को तलाश करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। और जी, ये है मेन गुरुद्वारा का एंट्री पॉइंट, जहाँ से गुरुद्वारे में एंट्री ली जाती है। और अंदर भी जाएंगे, लेकिन मैं अभी बाहर आपको दिखा रहा हूँ बाहर का सारा मंजर, कि बाहर जो है वो किस तरीके से लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। और ये सामने रैली आ रही है, दिखाता हूँ आपको। देखा जो पीछे गाड़ी थी, इसके अंदर बाबा गुरु नानक का जो है वो झूला था, और उसकी पूरे इलाके के अंदर उसको जो है वो घुमाया जाता है। और अभी वो वापस लेकर आए हैं यहाँ पे, क्योंकि हम तो लेट आए इसलिए हमें वो देख नहीं सके वो मंजर। तो अभी मैं जा रहा हूँ, अंदर जाना है मैंने गुरुद्वारे के, तो मैं जूते जो है वो अभी मैं जमा कराने के लिए जा रहा हूँ। और उसके बाद, क्योंकि गुरुद्वारे में जाने का एक प्रोटोकॉल होता है, आपको जो हाथ पांव जो है धो के लाजमी जाना पड़ता है और सर पे साफा बांधना पड़ता है। तो अभी हम ये एसओपी जो है गुरुद्वारे की, इसको फॉलो करेंगे, जो यहाँ पे जाने का तरीका है। उस तरह से जाएंगे अंदर, और उसके बाद पहले जूते जमा कराएंगे और सुबह फिर अंदर चलेंगे। अच्छा जी, बताएं कि आप लोग कहाँ से हैं? इंडिया से।
अमृतसर पंजाब। अमृतसर से हैं? अमृतसर पंजाब में आए। तो आप हर साल आते हैं या कभी कभी? पहली बार। अच्छा पहली बार आए हैं? पहली बार। कैसा लग रहा है पाकिस्तान आके? बढ़िया लग रहा है। कैसा आपको प्रोटोकॉल मिला जब आए? कोई दिक्कत तो नहीं हुई आपको? वाटर पार किया जी, बाघा वाटर। अच्छा अच्छा, लोगों से प्यार मिला आपको? जब प्यार मिलता है तो हम सोचते हैं कि दूसरी बार भी आएंगे। प्यार मिला है, प्यार मिला है। हाँ, अपने गुरु का धामा के दर्शन किए, जब जिधर भी गए सच्चा सौदा है। इधर है ननकाना साहब, बहुत अच्छा लगा। माशाल्लाह, कल को हमने पंजाब साहब जाएंगे, गुरुद्वारा साहब उधर दर्शन करेंगे, फिर लाहौर भी जाएंगे, फिर अपना करतारपुरा साहब जाएंगे। पापा जी ने जिसे जाके खेती की थी, बहुत अच्छी धरती है, बहुत बढ़िया धरती है। उसे दर्शन करने मन बड़ा लोचता थी, हम उस दर्शन करके आएंगे के फिर महाराज ऊपर वाले जो देंगे साथ तंदुरुस्ती देंगे, फिर देखना आएंगे। अच्छा, पाकिस्तान में खाने खाए आपने? हाँ, सब खाया। कौन से खाने पसंद आया आपको? चावल बहुत बढ़िया लगा। अच्छा, बहुत बढ़िया चावल लगा, बहुत बढ़िया लगा। क्या मैसेज देना चाहेंगे दुनिया को पाकिस्तान के वाले? चावल हम जाएंगे, हम लोगों को मैसेज देंगे कि बहुत अच्छा है, बहुत प्यार कर दिया, और आप भी बनाओ पासपोर्ट, वीजा लगाओ तो चलो अगले साल फिर चलेंगे, खूब दर्शन करेंगे तो खुश रहेंगे। और बाबा जी गुरु नानक देव जी से मांग करते हैं कि तंदुरुस्ती रख ले। जूते रखवाने में गया था लेकिन रश बहुत ज़्यादा था, तो मैंने इसलिए जुगाड़ के ऊपर यहाँ रख दिए जूते। और अभी चलेंगे अंदर, और अंदर चल के मैं दिखाता हूँ जहाँ पे स्नान किया जाता है, वो आपको जगह दिखाता हूँ। यहाँ पे भी जो है ना लोगों ने खेमे बनाए हुए और यहाँ पे लोग रह रहे हैं, देख सकते हैं कि लोग इस तरह से यहाँ पे टेंट लगा के जो है वो रह रहे हैं। अच्छा सरदार जी, ये बताइए ये जो स्नान जो जगह है जो बनाई जाती है, इसकी क्या वजह होती है, क्या यहाँ पे क्या किया जाता है? स्नान आगे पवित्र जगह बनाई, पवित्र स्थान है ये, जाड़ा है। अच्छा, ये पवित्र स्थान होता है, यहाँ पे आगे इंसान के गुना धुल जाते हैं, पवित्र होकर मत्था टेको। अच्छा, यहाँ से पवित्र होकर फिर मत्था टेका जाता है। उन्होंने रोटी सांझ बनाई, पंक्त चलाई। अच्छा, और एक सारे धर्म को एक कीता, उनके कई मिसाल बनाई है। वो जहाँ जहाँ गए, किसी को मुस्लिम ने नहीं गिना, हिंदू नहीं गया, कोई सिख को नहीं गिना, सब एक जाति, सब उनकी नज़र में सारे इंसान एक थे। इंसानियत बड़ी चीज़ है। आप कहाँ से? इंडिया से? पंजाब तो है, फिरोजपुर जिला डिस्ट्रिक्ट। कहाँ से? फिरोजपुर से। फिरोजपुर तो हमारे साथ ही लगता है, फिरोजपुर। हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या कहना चाहेंगे, आपको कैसा प्रोटोकॉल मिला पाकिस्तान के, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लगे, बहुत बढ़िया। आप इंडिया से हैं? हाँ जी। हाँ जी, आप भी फिरोजपुर से हैं? हाँ जी। हाँ जी, एक अच्छा, एक पिंड के ही हैं। आपका पहली बार आए या पहले भी आते रहे? मैं दूसरी बार आया। आप दूसरी बार? और आप? पहली बार आए। पहली बार आए। पाकिस्तानी खाने खाया आपने? हाँ जी। हाँ जी, सबसे ज्यादा कौन सा खाना अच्छा लगा आपको? हाँ जी, सबसे ज्यादा खाना कौन सा अच्छा लगा? सारे खाने बढ़िया है, सारे बढ़िया है। किसी को एक समय खाना एक से एक बात है, पूरी बात है, छोले बात है, सब जो ये पंजाब और चढ़ला पंजाब और लहंदा पंजाब सबका एक जैसा ही खाना पीना है। सौ में पूरा है, सौ में पूरा है। हाँ। एक पैसा भी नहीं काटा। वाह वाह, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू, वेलकम करते हैं आपको।
करते हैं और दिखाता हूँ आपको वहाँ पे जो है क्या चल रहा है अंदर। जी हमारे एक सिंध से आए हुए भाई थे, उनसे मैंने कैमरा पकड़वा के जो है वो अपनी वीडियो बनवाई साफा बांधते हुए, क्योंकि साफा बांधना ज़रूरी है। आइए चलते हैं अंदर, आपको दिखाता हूँ। और अंदर जो है वो रसूमात चल रही हैं, बाबा गुरु नानक की शान में जो है वो पढ़े जा रहे हैं। मैं कलाम कहूँगा, शायद कलाम कहेंगे या क्या कहते हैं मुझे नहीं पता सही वर्ड क्या है, लेकिन जो है वो उनकी शान में ही जो है बाबा गुरु नानक की शान में ही वो पढ़ रहे हैं। मुझे समझ तो नहीं आ रहा कि जो पंजाबी गुरमुखी में कुछ पढ़ रहे हैं। अंदर चलते हैं और अंदर चल के आपको दिखाता हूँ। और ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है ये बाबा जी का ये वो जन्म स्थान है जहाँ आपकी पैदाइश हुई थी। आइए चल के देखते हैं कि इस खीर के बनने के पीछे जो है वो क्या प्रसाद। जैसे ये आटा चीनी और घी का मिक्सर होता है ताकि हर बंदा खा सके, जिसको दांत हो वो भी खा सके, जो दांत ना भी खा सके। तो ये नाम सिंह जी के नाम से बनती है, ये नाम सिंह जी के नाम से। नाम सिंह जी नहीं, अच्छा अच्छा ये वैसे ही प्रसाद के तौर पर प्रसाद है। हम तबरक को कहते हैं, तबरक सिख मज़हब में कड़ाव प्रसाद हर गुरुद्वारे में एक लाजमी जज्बा है। तबरक आम जबान में कहते हो सही ठीक है। वैसे मैंने देखा है, मैं मुख्तलिफ ममालिक में गया हूँ, मैं इंडिया भी कई बार गया हूँ, तो मैंने देखा है गुरुद्वारों में लंगर जो है वो 24 घंटे चल रहा होता है। बिल्कुल हमारे सिंध में भी ढेरकी में भी बहुत बड़ा एक गुरुद्वारा है, वहाँ पे भी मैं गया तो मैंने यही देखा कि वहाँ पे भी जो है लंगर चल रहा है। बाबा जी की तालीमात है इसके पीछे, या उन्होंने फरमाया कि ये करना ज़रूरी है? बाबा नानक ने अपनी ज़िंदगी में एक वाक़या हुआ था सच्चा सौदा, हाँ जी बिल्कुल, 20 रुपये का सौदा जो हुआ था वो आज भी चल रहा है यार। इन्हें हर गुरुद्वारे में लंगर ये तो एक लाजमी जुज़ा गुरुद्वारे में है। जिन हर 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 रसना मन पाया ते भागहीन जम पास, जो सतगुर शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवै त्रिग जीवास, जिन हर जन सतगुर संगत पाए।
तिन धुर मस्तक लिखिया लिखास। धन धन सतसंगत जित हा रस पाया। तो जी ये था आज का मेरा दिन गुरु बाबा गुरु ननकाना साहब के जो गुरुद्वारे पर। और आज का मैंने देखा, मैं पहली बार आया, फर्स्ट टाइम इधर आया, मैंने देखा किस तरह से जन्मदिन जो है मनाया जाता है। दुनिया भर से लोग इधर आते हैं, शिरकत करते हैं। आज 552वां जो है जन्मदिन मनाया गया, और इंडिया से और मुख्तलिफ मालिक से पहली जो लोग आते थे उस मुकाबले में लोग कम थे, लेकिन फिर भी इंडिया से जो है काफ़ी यात्री आए। तो ये था आज का सफ़र, और शाम हो चुकी है और गुरुद्वारा जो है वो रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा रहा है इस टाइम, और काफ़ी ज़्यादा जो है रश बढ़ गया है अंदर जो है वो उसका पूजा कहेंगे या जो बात होता है वो चल रहा है बाबा गुरु नानक की शान में, शायद वो कुछ पंजाबी में कुछ होता है, गुरमुखी में शायद होता है कुछ। तो मुझे उम्मीद है आज का ये ब्लॉग, मैंने लोगों से बातें भी की और पूछा, इंडियंस जो आए हुए थे उनसे और लोकल से भी बात हुई और आपको दिखाया यहाँ पे, और लंगर भी यहाँ चलते रहता है और यहाँ पे जो प्रसाद बनता है वो भी दिखाया। मुझे उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड ज़रूर पसंद आया होगा, ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो उसको लाइक एंड शेयर करें और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। इजाज़त दीजिए अगली एपिसोड अगली वीडियो तक के लिए, परसों मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।